स्टूडेंट्स आई एम मुदिता एंड यू आर हेयर टू जॉइन मुदिता आई एस वॉरियर्स सो स्टूडेंट्स ये आपके इंग्लिश की वर्कशीट ट्वेंटी फाइव है जो आपको फोर्थ ऑफ सिक्सम्बर को प्रोवाइड की जाएगी हमारी पोयम चल रही थी फायर एंड आइस रिटर्न बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट सो पोयम को हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इसका वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है जहाँ पर आप डिटेल में वीडियो का एक्सप्लेनेशन विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एज वेल एज पॉइटिक डिवाइस एंजॉय कर सकते हैं सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक बार पोयम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से आइस कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर से खत्म होगी और कुछ लोग कहते हैं आइस से ख़त्म होगी फ्रॉम वट आई हैड टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दो फायर पॉइंट बोलते हैं बट मैंने जो टेस्ट किया है मैंने जो एक्सपीरियंस किया है लाइफ में उसके अकॉर्डिंग मैं फेवर करता हूँ कि दुनिया फायर से दैट मीन डिज़ायर से ख़त्म होगी ग्रीड से ख़त्म होगी बट इफ़ इट हैड पैर ट्वाइस बट अगर दुनिया को दो बार डिस्ट्रॉय होना है दो बार ख़त्म होना है आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट दुनिया में नफरत भी कम नहीं है हेट भी कम नहीं है टू दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आईज इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफेस मतलब नफरत भी दुनिया में इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ये भी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है इसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे एक पॉइटिक डिवाइस के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है इंजेबमेंट ओके हमने अलग अलग एजोनेंस के बारे में देखा था एलिट्रेशन देखा था पर्सोनिफिकेशन देखा था है ना सो so, अब यहाँ पे इंजेबमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा है ये कब यूज होता है द रनिंग ओवर सेंटेंस और फ्रेज फ्राम वन पॉइटिक लाइन टू अक्स विदाउट टर्मिनेशन पंचुएशन तो यहाँ पर हम बोलते हैं इंजॉवमेंट है दैट मीन आपकी कोई पोयम की लाइन चल रही है ओके और लाइन के बाद वहाँ पर कोई भी ना तो फुल स्टॉप है ना तो कोमा है कंटिन्यू सेंटेंस चले जा रहा है यहाँ पर क्या होता है इन इन्जैबमेंट होता है फ्रॉम वट आई हैड टेस्टेड ऑफ डिज़ायर जैसा मैंने टेस्ट के रिजल्ट देखे यहाँ पे क्या है ना तो कोई फुल स्टॉप है ना तो कॉमा है और फिर आई होल्ड विद दोज यहाँ तक कंटिन्यू चले जा रहा है उसके बाद फुल स्टॉप आ रहा है दैट मीन अगर आप इस पोएम को देखोगे ना देखिए ना तो यहाँ पे कोई कॉमा है ठीक है कंटिन्यू पोएम चले जा रही है सो so, इस तरह की यहाँ पे कंटिन्यू देखिए यहाँ पे चले जा रही है सीधा यहाँ पे है ठीक है इन दो लाइन में तीन लाइन में मिसिंग है तो यहाँ पे हमारा कौन सा होता है इंजैबमेंट होता है ओके सो ये आपका पॉइटिक डिवाइस था और अब आपको क्वेश्चन पूछा है वट वुड सफिस इफ द वर्ल्ड व पेरिस ट्राइस अगर दुनिया दो बार खत्म होती है दुनिया में क्या इनफ है आइस इनफ है फायर इनफ है हेट्रेड इनफ है या बोथ ए एंड बी इनफ है वर्ल्ड वुड सफिस इफ वर्ल्ड विद एंड ट्वाइस अगर दुनिया दो बार खत्म होती है तो क्या तो यहाँ पे यहाँ पे आपको क्लियरली बोल रहा है बट इफ़ वुड हेड ट्वाइस अगर दुनिया दो बार खत्म होती है तो हेट यानी कि हेट्रेड या नफ़रत सफिस है काफ़ी है सो so, ऑप्शन क्या होगा सी होगा ओके okay. इसके बाद सेकेंड में बोला है वाई डू समीपल से दैट द वर्ल्ड विद एंड इन आइस क्यों कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आइस से खत्म होगी हमने पहले ही पढ़ा है कि फायर यहाँ सिंबलाइज कर रहा है डिजायर्स को ओके okay, और आइस यहाँ सिंबलाइज कर रहा है हेट को रिजिडिटी को नफरत को ओके सो वाई डू सम पीपल से दैट वर्ल्ड विद एंड इन आइस क्यों कुछ लोग कहते हैं आइस से खत्म होगी हेटरेट से खत्म होगी बिकॉज लव एमंग पीपल इज इंक्रीजिंग क्या प्यार बढ़ रहा है लोगों में जी नहीं बिकम हेटरड एमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट क्योंकि लोगों में हेटरड नफरत बढ़ती जा रही है बिकॉज लस्ट एमंग पीपल इज लस्ट बढ़ता जा रहा है नन ऑफ आंसर क्या होगा बी होगा ठीक है क्योंकि नफरत तेजी से बढ़ रही है सो so इसके लिए हमारा आंसर होगा बी एंड फर्स्ट के लिए होगा सी ओके okay? इसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर्स्ट प्रिवेंट टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया दैट वर्ल्ड एंड दो आइडिया दिया है उन्होंने वर्ल्ड के एंड होने का तो क्या मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं यहाँ पे आपको राइट राइट करना है और इसके बाद है इफ़ If it had twice, अगर दो बार खत्म होती है तो चलिए इन दोनों को लाइक नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल थर्ड क्वेश्चन में बोला है उनके उन्होंने वर्ल्ड के एंड के सो क्या मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं थ्रू द पोयम फायर एंड आइस पॉइंट वॉन्ट टू कन्वे दैट द वर्ल्ड विद कम टू एंड आईदर फायर और आइस ये बोल रहे हैं कि दुनिया या तो फायर दैट मीन डिजायर से या हिटरेड से खत्म होगी फायर हेयर स्टैंड फॉर डिज़ायर एंड ग्रीड लालच को और डिज़ायर को इन्होंने फायर सिंबल दिया है एंड आइस स्टैंड फॉर हेट्रेड एंड रिजिडिटी द मोर वी सैटिस्फाई आवर ग्रीड द मोर इट इंक्रीजेज जितना हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं हमारे अंदर जो लालच है ग्रीड है वो उतना बढ़ता जाता है जब आपको एक छोटा घर मिल जाता है तो आप चाहते हैं एक बड़ा घर हो जब आपको एक बड़ा घर मिल जाता है तो आप चाहते हैं उससे बड़े भी आपके पास कई घर हो उससे भी बड़े कई घर होते हैं तो आप बहुत सारी गाड़ियाँ चाहते हैं मतलब कोई भी सैटिस्फाई नहीं है जितना हमें मिलता है हम उससे ज़्यादा की उम्मीद करने लगते हैं सिमिलरली हेट्रेज इज़ ऑल्सो रनिंग ह्यूमन स्लोली और जो नफरत है वो भी दुनिया में धीरे दीर धीरे बढ़ता चला जा रहा है ओके okay, सो so ये आपका थर्ड का आंसर है फोर्थ में बोला हुआ है इफ इट हार्ड टू पैरिस ट्वाइस जस्टिफाई स्टेटमेंट गिव रीजन ठीक है तो यहाँ पे आपका होगा अकॉर्डिंग टू पॉइंट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू फायर पोइट के हिसाब से तो जो दुनिया है फायर से खत्म होगी वर्ल्ड बट वो कहते हैं कि अगर दुनिया को दो बार खत्म करना है दो बार खत्म होनी है तो आइस भी यानी हेटरेड भी कम नहीं है द पॉइंट फील दैट देयर इज इनफ हेटरेड टू वर्ल्ड दैट स्प्रेडिंग अमंग पीपल दुनिया में नफरत डे बाय डे इंक्रीज हो रही है वो भी डिस्ट्रॉय कर सकती है दिस हेट्रेड विद एंड द वर्ल्ड वन डे सो ये आपके थर्ड एंड फोर्थ आंसर हैं जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने थे और बाकी आमसीक्यू सो so, ये थी आपकी छोटी सी वर्कशीट आई होप आपको समझ में आ गई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है